क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम बात कर सकते हो? तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुम्हारा नाम क्या है? विनय। मेरा भी। क्या तुम भी मुझे आईने में देख पा रहे हो? हाँ, तुम भूत तो नहीं हो? यही मेरा भी सवाल है, लेकिन ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुमसे कोई खतरा तो नहीं है ना? तुम इसमें से बाहर नहीं आ सकते ना? लगता है कोई आ रहा है, मुझे इसे जल्दी छुपाना होगा। तुम भी छुपा दो, बाद में मिलते हैं। तुम्हारे अंगूठे में क्या हुआ है? वो थोड़ा कट गया था। अरे उसका बात मत कर, ईंट जोड़ता है और खुद को बहुत बड़ा कलाकार समझता है। भाई साहब, जो जो चीज़ करता है उसके लिए वो कलाकारी ही तो होता है। जैसे ये मैं नारियल काट सकता हूँ, वैसे हर कोई थोड़ी ना काट सकता है। क्या बात कर रहे हैं भाई, लाइए आपका भी गलत फहमी दूर ही कर देता हूँ। नारियल पानी के बजाय निकल गई ना आपकी पानी, लाइए इधर। बताओ, कुछ समझ में आया?
तो अपने बारे में बताओ। एकदम सेम टू सेम, मतलब हम और तुम एक ही हैं। तुम्हारा आईना कैसे मिला? मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर किया और जैसे ही खोला चमत्कार शुरू हो गया। मैंने भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, लेकिन कल होकर चमत्कार शुरू हो गया। ये उंगली कैसे कटा तुम्हारा? वो मैं नारियल वाले के सामने डींगे हाँक रहा था, मेरे ही गलती से कटी। अभी टाइम कितना हो रहा है? 6। इधर भी 6 बज रहा है। अगर तुम्हारा दुनिया मेरा दुनिया एक दूसरे का मिरर है, तो तुम्हारा उंगली बाद में क्यों कटा? एक मिनट, तुम्हारे तरफ डेट कितना हो रहा है? 10/6/2021। मेरे तरफ 9/6/2021। मतलब तुम्हारा दुनिया मेरे दुनिया से 24 घंटा आगे है। इसलिए कल मेरा उंगली कटा था, आज तेरा कट गया। मतलब तुम्हारे साथ जो होगा वो मेरे साथ भी होगा। हाँ शायद। मतलब मैं फ्यूचर जान सकता हूँ 24 घंटे का? हाँ। तो अगर मैं फ्यूचर जान सकता हूँ तो बदल भी सकता हूँ, लेकिन ये शायद खतरनाक भी हो सकता है। जो भी हो, आजमाना तो पड़ेगा। तो चल बता, कल क्या खास होने वाला है? खास नहीं, बकवास होने वाला है। मोबाइल खो जाएगा तुम्हारा। अब जान गया ना? नहीं खोएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम। सब मेरी गलती है। मैं उसे नहीं भेजता तो वो इस दुनिया में रहता। अच्छा, जो होना था वो हो गया, सब्र रखो। वो तो जाने से मना कर रहा था, मैंने ही जबरदस्ती भेजा। बोल नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता ना। क्या करोगे, होने को कौन टाल सकता? तुम्हारा भेजना तो एक बहाना था। जो होना रहता है वो होकर रहता। मोबाइल नहीं खोया। जिसे नहीं जानते उसे नहीं बदल सकते, लेकिन जो जानते उसे तो बदल ही सकते हैं। हाँ मैं घर पर ही हूँ, आ जाइए, तब तक मैं पैक करता हूँ।
बकवास प्रोडक्ट है, सही से काम नहीं कर रहा है। दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। और हाल सुनाओ अपना और अपने मोबाइल का। मैं तुम्हारे सामने हूँ और मोबाइल सुनने सुनाने के लिए नहीं है। मतलब सारी कोशिश नाकाम रही और जो होना था वो होकर रहा। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, मतलब जो होने वाला है उसे हम बदल नहीं सकते शायद, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारे छेड़छाड़ का कुछ भयानक परिणाम भी हो सकता है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और होगा तो देखा जाएगा। वैसे कल कुछ खास? There is big blast in the city today at the evening. According to the source, attack was planned by ABC. At least 3 people have been killed. बताया क्यों नहीं? हम कुछ नहीं बदल सकते। और अगर मैं वहां होता तो मैं जिंदा हूं। मतलब तुम वहां नहीं हो सकते थे, इतना यकीन से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य हूं। कल का न्यूज़पेपर दिखाओ। कल का मतलब तुम्हारे यहां के आज का? ट्रक की टक्कर से कार एक्सीडेंट, ये तो अपने ही बगल में होने वाला है। इसे रोक कर रहूंगा। आज वहां एक गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है और उसे हमें रोकना है। मतलब कोई जानबूझकर ठोकने वाला है क्या? नहीं, पागल तो नहीं हो गया है? तू तो बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई मूवी तू पहले देख चुका है और अब मैं देख रहा हूँ और आगे क्या होने वाला है ये तू मुझे बता रहा है। हाँ वैसा ही कुछ समझ ले। अभी उधर से 9927 नाम की गाड़ी आने वाली है, उसे हमें रोकना है। नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। अरे तुमको क्या मालूम, ये बस मैं बोल रहा हूँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। नहीं ये मैं और मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ पक्का होगा 100% इसके लिए कुछ भी हो जाए। अरे रुको रुको, बताओ तो सही, हुआ क्या? तुम लोग ऐसे बीच में क्यों लड़ रहे हो? बेवकूफ समझता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, तुम्हें क्या पता? और मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ पक्का 100% होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अरे रुको रुको, बताओ तो सही, किस लिए लड़ रहे हो, हुआ क्या? भाई साहब
आप पांचवी पास तो जरूर लग रहे हैं। ए, ग्रेजुएट हैं हम। अब आप ही बताइए छ लिखा है या नहीं। हाँ। अरे क्या भाई साहब, आप भी वही निकले, इधर आइए। नौ लिखा या नहीं? हाँ, नौ लिखा हुआ है। देखा, मैंने बोला था ना। क्या बोला था? तुम्हारे खाने से थोड़ी ना मान लेंगे। ज्यादा तेज बनेगा, ब्रिज से बाहर फेंक देंगे। अब ट्रक क्रॉस कर गई, कैरेक्टर से बाहर आ जा। अरे रुको यार, मैं समझा दो तुम लोग। इधर आओ। ये क्या है? क्या है? नौ है। इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ये क्या है? छौ है छौ। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। क्यों लड़ रहा है तुम लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब झगड़ा खत्म करो, साइड में हो जाओ, मुझे निकलने दो। जाओ, मुझे निकलने दो। कैसे कैसे बेवकूफ लोग पाए जाते हैं दुनिया में। अरे भाई साहब, ये तो बताते जाइए कि क्या नौ का चीज छह में खरीद सकते हैं? आज मैंने एक इंसान को मरने से बचा लिया। सब मेरे वजह से हुआ। मैं उसे नहीं रोकता तो वो उस ट्रक के पीछे नहीं जाता, ना ही उस पर कपड़ा आता और ना ही एक्सीडेंट होता। आज वो जिंदा होता नहीं होता, क्योंकि मेरी दुनिया में वो मर चुका था। खुद को दोषी मत मानो, लेकिन अब हमें यूनिवर्स के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया समान है और रहने की कोशिश करेगी। हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से 24 घंटा आगे है, और अगर हम इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया से इक्वल रहने के लिए दूसरी रास्ता अपनाएगी, और इसका बहुत ही भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। वैसे कल कुछ खास नहीं बताऊंगा, मैं बस जानना चाहता हूं। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, कुछ खास तो नहीं, लेकिन हमारे सबसे करीबी दोस्त को 5 लाख का लॉटरी लगने वाला है। लॉटरी? ये कब से कर रहा है वो? काफ़ी दिनों से। ऑनलाइन लॉटरी टिकट खरीदता था, मुझे भी आज ही पता चला। क्या अकेले अकेले अमीर बनने के प्लान में हो? क्या कहना चाह रहा है? खूब लॉटरी टिकट खरीद रहे हो। तुम्हें किसने बोला? जो भी बोला हो प्लीज मेरे घर पे मत बताना। अरे मैं क्या बताऊं, तुम खुद बताने वाले हो। मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि आज पूरे 5 लाख का लॉटरी जीतने वाले हो। काश तुम्हारे कहने से ऐसा होता तो आधा पैसा मैं तुझे दे देता। पक्का? पक्का पक्का। हाँ पक्का, सोच लो। हाँ ठीक है। लिख। अब क्या अजीब हरकतें कर रहा है? लिख तो सही। ले। मिलता हूँ तुमसे जल्दी, पलटना मत। ठीक है। अबे कहाँ है तू? अभी जल्दी आ पार्क के गेट पे। भाई अबे उधर।
क्या हुआ भाई? तेरा कहना एकदम सच निकला। मेरी लॉटरी लग गई पूरे 5 लाख की। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सबसे बड़ी पार्टी मेरी तरफ से। मुझे पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए। क्या यार, ये सब तो बस ऐसे ही फुलम फुलम हो गया था। और वैसे भी तू तो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, हेल्प तो करूंगा ही। तू जब भी जो कुछ भी कहे। हाँ समझ गया मैं तुझे। क्यों ना जिसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है उसे हम एक दिन पहले ही बता दे, ताकि वो खुश होकर हमें कुछ इनाम दे। इसमें तो यूनिवर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा ना? हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें क्या? तुम अपने दुनिया का कमाई मेरे दुनिया में तो भेज नहीं सकते। हाँ सर, हाँ सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या है? ये जॉब के लिए कॉल था। बात ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा दुकान है जिसमें मुझे ऑनलाइन सेलिंग करना है। जितना ज़्यादा सेल करूँगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। मतलब वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हो और कुछ भी नहीं। हाँ हो सकता है। तुमने अप्लाई किया था? नहीं, मैं 2 महीने पहले अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज के साथ जॉब के लिए इंटरनेट पर पोस्ट डाला था। मतलब मेरा दुनिया भी तुम्हारे दुनिया को इफेक्ट करता है। कैसे? देखो तुम कितने दिन पहले पोस्ट डाले थे और उम्मीद भी नहीं रही होगी कि ऑफर आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना आइडिया तुम्हें बताया, फिर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया इक्वल रहने के लिए तुम्हें भी पैसे कमाने का सोच देगी, ताकि हमारा और तुम्हारा इक्वालिटी बना रहे। मैं नहीं मानता, और वैसे भी मुझे जॉब लग गया है तो इन सब चीज़ों में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम्हारा मतलब ना है? बस तुम देखते जाओ, अब फिर कॉल आएगा कि वो जॉब तुम्हें नहीं मिल सकती, या गलत नंबर लग गया था, या कुछ भी, कैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है देखते हैं। तुम आराम से सोच लेना, मैं तुमसे हाँ की उम्मीद रखता हूँ। भाई एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम कोई भी चीज होने से पहले कैसे बता देते हो? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगा कभी आराम से। तो क्या मैं इसकी कहानी सुनने के बाद आगे क्या होगा ये पहले बता सकूंगा? शायद तुम्हारा कहना सही था। तो मैं आगे तैयारी करूं? ओके सर। सर कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, शायद मेरे ही वजह से हुआ है सर। क्या हुआ? हुआ ये था कि तुम्हें मना करने के बाद सर का फोन आया कि ऑनलाइन सेलिंग का प्लान कैंसिल हो रहा है, और अभी फोन आया कि चालू हो रहा है। मतलब मैं जो करूँगा इसका इफेक्ट तुम पर भी पड़ेगा, इतना तो विश्वास हो गया। हाँ तो पहले हम लोग सही से प्लानिंग करते हैं, और मैं भी थोड़ा बाहर घूमता हूँ और कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोगों को कंटिन्यू बातचीत करते रहना पड़ेगा, और एक दूसरे को फ़ोन तो कर नहीं सकते। तो मुझे जो कुछ भी बोलना होगा मैं यहाँ पे लिख के रख दूँगा, और तुम भी सेम चीज़ करना। चलो ठीक है।
तुमने बोला था ना कि जब भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे बोला था या नहीं बोला था? तू तो अपना दोस्त है, मदद तो करूंगा ही, बोल करना क्या है। देख, अपने एरिया में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी अच्छी घटनाएं और बड़ी बड़ी बुरी घटनाएं होती रहती हैं। कहीं किसी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, कहीं किसी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, कहीं किसी को प्रमोशन मिल गया तो कहीं कोई चुनाव जीत गया। हाँ तो तू यही एक दिन होने से पहले बता दे। तो खबर अगर बुरा रहा और कहने के बाद सच हो गया तो पीट पीट कर बुरा हाल कर देंगे। लेकिन खबर अच्छा रहा तो इनाम भी तो देंगे। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन यार तेरे हाथ ऐसा क्या लग गया जो होने से पहले पता चल जाता है? मुझे भी बताओ और वो लंबी वाली कहानी सुनाओ। बताऊंगा जल्द ही, लेकिन तू साथ देगा ना? हाँ क्यों नहीं। अरे ये यहाँ कैसे? पता नहीं कैसे गलत टाइम पे आ टपका। या हो सकता है तुम अपने तरफ इसे इन्वॉल्व कर रहे हो और उसका इफेक्ट यहाँ हो। हाँ मैंने अपने इस प्लान में उसे भी शामिल किया है, मतलब कल वो जान ही जाएगा किसी तरह। कल तुम भी आ जाना, मिल लेना अपने हमसकल इमेज या जो कुछ भी वो, मिल लेना। तू हमेशा कहा करता था ना कि वो लंबी वाली कहानी सुनाओ, लंबी वाली कहानी सुनाओ। चलो आज सुनाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अबे जो तुम हो वही ये है, बस 24 घंटे आगे। थोड़ी आसान भाषा में समझाओ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना समझ लो कि अभी से 24 घंटे बाद तक जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है वो इसके साथ हो चुका है। अच्छा तो तुम इसी से पूछ के भविष्यवाणी किया करते थे? हाँ। अरे बताओ ना 24 घंटे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है? ज्यादा कुछ नहीं बस। ए, तो कुछ भी नहीं बताएगा? बताएगा क्यों नहीं, यह मेरा ही इमेज है। ए, जिद मत कर, कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, हम लोग झेल चुके हैं। तो बताओ कल का मुर्गा कौन है? बैठिए, बताइए क्या बात है। आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम डील है ना, वो आज मिलने वाला है। मतलब कुछ भी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। डील साइज 50 करोड़, इंडिया के लगभग 100 बड़े बिजनेसमैन इसके पीछे पड़े हुए हैं और ये बात आपके और आपके पीए के अलावे कोई नहीं जानता। खुशखबरी आज मिल जाएगी, ये रहा मेरा नंबर, जो उचित इनाम लगे भेज देना। गुड बाय। आपका कहा हुआ एकदम सच निकला, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं काफ़ी दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ था। वैसे मैंने आपको इनाम भेज दिया है, कुछ कम पड़े तो बतलाइएगा। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा परमानेंट ऐसी बनी रहे ताकि हम आपको हमेशा खुश रखें। मेरे ऊपर भी कोई है, मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। और खुशखबरी रही तो ज़रूर बताऊँगा। गुड लक। पचास हजार ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हम बानी के टक्कर में आ जाऊंगा।
अरे आज तो कमाल हो गया, आज इतना सेलिंग हुआ कि सिर्फ कमीशन 50,000 हुआ। क्या बात कर रहा है, मुझे भी वो बिजनेस से खुश होकर 50,000 भेजा। और तो और वहां एक आदमी की जरूरत थी तो मैंने इसे रख लिया, और इधर ये मेरे साथ काम कर रहा है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ इसका इफेक्ट तुम्हारे दुनिया पे भी पड़ रहा है, और जितना मैं कमाऊंगा उतना तुम भी कमाओगे। अभी रिजल्ट आने वाला है और ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। रिजल्ट निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट तक हम खबर कैसे पहुंचाएंगे? एक काम कर सकते हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन सबसे संपर्क करो और उनमें फर्स्ट डिवीजन होने वाले बच्चों का नाम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर ले लो। पूछे तो बताना कि हम लोग ई मीडिया से हैं और आपके कोचिंग के बच्चे बहुत अच्छे अंक लाए हैं और उनके बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं, और कुछ बच्चे का इंटरव्यू भी लेंगे जिससे आपके कोचिंग का भी नाम होगा। अरे ये देखो ना, सब्जी बेचने वाले के बच्चे ने जिले में टॉप किया है। हमें सब्जी वाले के बच्चे नहीं चाहिए, कोशिश ये रखना है कि जितने अमीर बाप के बच्चे मिले उतना अच्छा है। ठीक है, काम पर लगते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी। पंकज कुमार बोल रहे हो? कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, फर्स्ट करना चाहते हो? हाँ, तो मैंने तुम्हारा नंबर बढ़वाकर 350 कर दिया है। पेमेंट अभी देना चाहोगे या रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने के बाद पक्का पेमेंट कर दोगे ना? तो खाओ भिजिया कसम। क्या कर रहा है ये? हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और डेटा बहुत सारा है। ठीक है, मैं तुम्हें बैंक अकाउंट SMS कर रहा हूँ, ईमानदारी से 2,000 डाल देना, और नहीं तो सातों भी देना। आपका कहा तो सच ही निकला, मेरा तो 350 नंबर आया है। पैसा दे दिए, चेक कर लीजिए।
ले इसे फेंक दे। क्यों, खराब हो गया क्या? नहीं, किस्मत खराब रही ना तो इसी के जरिए पकड़े जाएंगे रिजल्ट फ्रॉड के केस में। और सिम निकालते वक्त जिसका आईडी प्रूफ दिया था उसका क्या? दिया था लेकिन मरे हुए आदमी का। और पैसा का क्या? वो थर्ड पार्टी गेटवे इस्तेमाल किया, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। दो लाख का कलेक्शन हुआ? हाँ, 2 लाख ही कलेक्ट कर पाए। ये एक दिन के लिए कम नहीं है, लेकिन ये दिन साल में कभी कभी आता है। ऊब गया हूँ, कुछ बड़ा हाथ मारने का मन कर रहा है। तू सामने चुनाव आ रहा है, नेता को लूटने का प्लान बना? वाह रे, तेरा दिमाग भी चलता है। मैं नेताओं के चमचों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम बता देना कौन जीत रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये चुनाव जीत रहे हैं तो इसमें बोलने की क्या बात है? मैं तो जीत ही रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं सर, आप मेरे से लिख कर ले लीजिए कि आप जीत रहे हैं। कुछ किया है मैंने आपके लिए? तो 1 करोड़ जहां बोलो वहां डिलीवर कर दूंगा। तो वोट गणना का इंतजार करिए और मेरा सामान रेडी रखिएगा। मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में और मुझे तुम पर भरोसा भी है। तुम टेंशन मत लो, पैसे पहुंच जाएंगे। मैं जीत रहा हूं। वो तो मैं भी बोल सकता हूं। कोई भी घटना होने से पहले बता देता है। विनय नाम तो सुना ही होगा, उसने आकर बोला है मुझे। अच्छा, हेलो। हाँ सर, आप ही जीत रहे हैं। नहीं, मैंने तो उसे ऐसे ही बोल दिया था। कौन जीत रहा है? आप जीत रहे हैं। ए, सही सही बता कौन जीत रहा है? आप जीत रहे हैं। आप देखा, मैं जीत रहा हूं। लेकिन पहले तो तुमने बोला था कि हम जीत रहे हैं। आप दोनों जीत रहे हैं। एक ही जगह से दो नेता कैसे जीत सकता है? साथ, साथ, साथ। चालाकी, वोट की गिनती खत्म होने दो।
क्या पंगा ले लिया मैंने, आज तो निपटा ही देता, अब तो छुपकर ही रहना पड़ेगा। चुनाव के बाद पता नहीं क्या करेगा, घर जाकर पहले उस फ्यूचर मिरर से पूछता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला था तो पहले बताया क्यों नहीं। है, नॉर्मल आईना में कन्वर्ट हो गया, कहीं ये नेता उसे मार तो नहीं दिया। हाँ।